सूर्य का अध्ययन करने वाला देश का पहला मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज शाम 4 बजे हेलो ऑर्बिट में स्थापित करेगा। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया आदित्य L1 आज लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट के पास पहुंचने वाला है। ये सन अर्थ सिस्टम की 5 जगहों में से एक L1 पॉइंट से सूर्य का सटीक अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन इसरो का सौर जांच मिशन आसान भाषा में आपको आज समझाएंगे और उसके लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के इस वक्त प्रधानमंत्री प्लेनेटोरियम में। हमारे साथ प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा जी हैं, उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे बहुत आसान भाषा में कि आखिर में ये सौर जांच मिशन जो है वो किस तरह से भारत के लिए एक नई गाथा लिखेगा। देखिए मैम, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं कि आदित्य L1 मिशन क्या है, वो भारत के लिए क्या कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं। L1 मतलब लैग्रांज 1 पॉइंट, ऐसे 5 पॉइंट हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5। इस तरह के 5 पॉइंट हैं जिससे हम सूर्य की स्टडी को डिटेल तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करें L2 की, तो नासा का जो हबल टेलीस्कोप है वो L2 पर स्थित है, जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट की स्टडी वहाँ से निरंतर जो फोटो है वहाँ से भेजता है। अब बात रही L4 और L5, क्योंकि ये सूर्य से एक निर्धारित दूरी से ज़्यादा दूरी पर हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये डिटेल स्टडी जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा L3 जो है वो उसके पीछे है और काफ़ी दूर है, तो अब सिर्फ L1 एक पॉइंट बचता है जो काफ़ी सेफ है और सूर्य से एक निश्चित दूरी पर स्थित है, जहाँ पर हम सूर्य को निरंतर तौर पर स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो L1 पॉइंट वो एक ऐसा सेफ पॉइंट है जहाँ से हम सूर्य की स्टडी को निरंतर कर सकते हैं, और इस पॉइंट पे रखने का किसी भी सैटेलाइट को फायदा ये होता है कि ग्रहण के दौरान भी इस पर किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता और 24/7 हम जो है वो इस सैटेलाइट के माध्यम से सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैम, इनको थोड़ा सा बस आखिरी सवाल मेरा, अगर इनको आप आसान भाषा में समझाएं कि ये पेलोड्स किस तरह की मतलब कि हमें जानकारी देने वाले हैं, क्या? जी, सरल भाषा में समझे, बहुत ही साइंटिफिक नेम है, जैसे आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही साइंटिफिक नेम है। सरल भाषा में समझे तो ये सूर्य में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को समझने में हमारी पकड़ को मजबूत करेगा, जिसमें एमिशन ऑफ लाइट, क्रोनोग्राफी, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, किस तरीके के एक्सरेज पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसमिट करता है सन, साथ ही साथ विंड, जो सोलर विंड निकलती है वो हमारे स्पेस वेदर के लिए साथ साथ अर्थ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है, बिकॉज अगर वो अर्थ पे हिट कर जाए तो हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड एक ही बार में पूरे बिल्कुल बंद हो सकता है। सो इसको समझने में आदित्य L1 बहुत अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ आगे आने वाले सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर वेदर की अगर हम बात करें, स्पेस वेदर की हम बात करें, हम उस पर हमारी पकड़ को और समझ को बेहतर करेगा और इस तरह के आने वाले खतरों से हमें टाइमली इंटीमेट करेगा, ताकि हम अपने सैटेलाइट को उस जगह से हटा सके या किस तरह की इंफॉर्मेशन वो हमारे साथ शेयर करें।